राणी मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष। पहले दिन बीजेपी ने लंदन में राहुल के बयान पर की माफी की मांग। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। देश का अपमान करने का आरोप। भ्रष्टाचार पर भी निशाने पर कांग्रेस। भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का काम करते हो राहुल जी। आपको तुरंत वापस आकर सदन में जहां देश से माफी मांगनी चाहिए। आतंकी वारदात मामले में जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। कई जिलों में छापेमारी। अनंतनाग और पुलवामा से एक एक आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी से हिरासत में पूछताछ। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पश्चिमी यूपी में एसटीएफ ने डाला डेरा। भेष बदलकर छिपे होने की खबर। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के इनामी हुए फरार शूटर। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी लग रहा एनकाउंटर का डर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई सुरक्षा की गुहार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराने की मांग। बिहार में बेखौफ बदमाशों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। छपरा में आरजेडी नेता को किया अगवा। तलाश में जुटी पुलिस। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी तय। महिला जज को धमकी देने और तोशाखाना केस में जारी हुआ गैर जमानती वारंट। इमरान खान ने भी अपनी जान को बताया खतरा। बखमूत की जंग में रूस को बड़े नुकसान का यूक्रेन का दावा। ज़ेलेंस्की ने कहा युद्ध में मारे गए रूस के 1,000 से ज्यादा सैनिक। रूस ने बखमूत में झोंकी ताकत। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। युद्ध के दौरान कई बड़े दावे होते रहे। उन दावों की सच्चाई क्या है ये बताएंगे इस वक्त।